ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ BSF ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ जाएंगे आगे बॉर्डर की तरफ और आपको दिखाते हैं पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? तो आज की वीडियो में सबको वेलकम, खुश आमदीद। सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे और बहुत ही ज़बरदस्त सीन होने वाला है जिस गांव में हम जा रहे हैं। तो बहुत से दोस्त हमारे ये कहते हैं कि भाई आप लोकेशन क्यों नहीं बताया करते। तो भाई हमें भी थोड़ा सा मसला मसाइल का सामना होता है, तो जो लोकेशन है ये हम व्लॉग में बस गांव का नाम बता देते हैं और अपने गांव का नाम बता देते हैं, इंडिया के गांव का नाम बता देते हैं अगर हमें पता हो तो। जो परफेक्ट लोकेशन है और रास्तों के बारे में ज़्यादातर हम बात नहीं कर सकते, तो आप बस वीडियो देख के एंजॉय किया करें। गांव का नाम तो हम बता ही देते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के मसले होते हैं, तो इसलिए हम भी ज़्यादा बात नहीं करते। व्लॉगिंग है, बस इसे एंजॉय किया करें। तो माजरत के साथ, तो आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त गांव में, एक गांव है पाकिस्तान का, उसमें जा रहे हैं और उसके वो जो गांव है उसके सामने इंडिया का गांव है। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ना शहजाद? जी जी, ज़बरदस्त। तो आप वीडियो को एंजॉय करें, वीडियो बनने वाली है आज। हाँ, रोज़ा भी है तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में कोई मसला हो तो इसको इग्नोर करना। तो आज का सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, चलते हैं जी सीधा बॉर्डर की तरफ और आपको दिखाते हैं बेहतरीन गांव इंडिया का और उस गांव का नाम भी आपको बताएंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें, जहां हम रुके ये है मेरी फेवरेट सब्जी का खेत, घिया तोरी है। पर वो काट के खाते हैं ना पता नहीं। हाँ, घिया तोरी है, घिया तोरी। तो चले आगे बॉर्डर की तरफ। ये तो सफ़र को जारी रखते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं तो यहाँ से आपको दिखाते हैं पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर। जी तो ये जा रही है जी BSF की गाड़ी। बहुत से दोस्त कहते हैं कि भाई पंजाबी में बात किया करो तो फिर उर्दू स्पीकिंग कहेंगे कि भाई उर्दू में बात किया करो, तो ये मसला है। तो क्या करें, अब आप ही कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये सामने BSF की गाड़ी जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है और बड़ा ज़बरदस्त सीन मिला है हमें जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे। तो ये गाड़ी जा रही थी तो हमने सोचा पहला सीन यही बनाते हैं। पीछे गांव भी है लेकिन बंद है। ये जा रही है जी कार और ये बिल्कुल बाढ़ के साथ शहजाद इनकी सड़क है। पीछे आगे गांव भी है लेकिन ये भी देखो कि बाढ़ के साथ बिल्कुल इन्होंने ना सड़क बना रखी है। और ये जाती है मेरे ख्याल है नौशहरा ढाला तक, तो हमने देखी है जो इनका बेदियां है ना, चीना बेदियां पिंड और नौशहरा ढाला तक ये सड़क हमने देखी है क्योंकि हम बॉर्डर पे आते रहते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है कि बिल्कुल बाढ़ के साथ इनकी जो है ना सड़क है, मेन सड़क है जहाँ से मतलब लोग सफ़र करते हैं। तो गाड़ी गायब हो गई आगे से, गाँव आ जाता है तो दूसरी तरफ बिल्कुल
तो ये है जी गांव, और ये गांव है, इसका नाम क्या बता रहे थे शुरुआत? छीना बेदियाँ, पता नहीं क्या बता, छीना बेदियाँ शायद जो हमें है। तो हमारा जो गांव है, हमारा गांव क्या बता रहे थे, पठान के, पठान के, हमारा गांव बता रहे थे पठान के। और ये है जो, ये है छीना बेदियाँ, छीना बेदियाँ इंडिया का गांव। तो ये लाहौर सिटी पड़ती है जी, लाहौर सिटी, सिटी लाहौर पड़ती है, लाहौर सिटी है। और छीना बेदियाँ इंडिया का गांव है, और जो हमारा गांव है ये है पठान के। तो बस इतना ही हम बता सकते हैं इसके बारे में, इससे ज़्यादा बात जो है वो करना ठीक नहीं है। सिक्योरिटी रीज़न होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, तो जितनी बात हम कर सकते हैं उतनी बात तो हम कर देते हैं। तो ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना।